हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके आगे बताने जा रही हूँ हैदराबादी मटन बिरयानी। लेकिन ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का नोटिफिकेशन का बटन है वो दबाए, ताकि आगे मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम मटन का मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो है, ये है मटन जो 350 ग्राम्स है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसमें एक टेबलस्पून पाइनएप्पल का पेस्ट डाल के रखा था। पाइनएप्पल का क्या करना है, आपको उसका मिडिल पार्ट निकाल के पाइनएप्पल का पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख देना है। तो आप कभी भी कोई भी मटन आइटम यूज़ कर बनाओगे तो टेंड्रॉन से अच्छा पाइनएप्पल पेस्ट है जो आपके मटन को एकदम टेंडर कर देगा, तो आप किसी भी चीज़ में उसे यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डाल देते हैं। इंग्रेडिएंट्स में ये है हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है चार प्याज का बिरिश्ता और ये है पंजाबी दही हंग कर्ड्स, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली पेस्ट, होल गरम मसाला है, इसमें मैंने लिया है एक दालचीनी, तीन छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और चार से पांच लवंग। ये है हमारा केसर एसेंस, ये मैंने कुछ 10-12 बादाम लिए हैं, हल्दी पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मटन को मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले मटन में मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, मतलब ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून्स, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टेबलस्पून सॉल्ट। ये सब को हम अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने रख देंगे। तो अब हम एक मसाला पीसने जा रहे हैं। तो ये मिक्सी में सबसे पहले मैं लूँगी जो हमारा दही है, 1/2 कप दही लूँगी, उसमें मैं ऐड करूँगी ये जो 10-12 बादाम है वो, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, केसर एसेंस 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट। ये सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इस मिक्सी में ये जो हमारा बिरिश्ता है और जो बचा हुआ दही है उसे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा बिरिश्ता हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और बाकी हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये 1/2 कप जो मेरा बचा हुआ कर्ड है उसके साथ मैं बिरिश्ता ग्राइंड कर लूँगी। तो अब हम हमारा मटन का जो मसाला है वो बना रहे हैं, उसके लिए मैं लूँगी 1.5 कप्स ऑफ ऑइल, 1/2 कप्स इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा होल गरम मसाला है, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो मटन हमने मैरिनेट किया है। आप मटन को ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं, पूरी रात मैरिनेट हो जाएगा तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा। मटन को अच्छे 5 मिनट्स तक अच्छे से फ्राई करना है। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम हमारा ये येलो पेस्ट डाल देंगे जिसमें हमने बादाम दही वो सब ग्राइंड किया था, वो पेस्ट डाल देंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई करना है 5 to 6 मिनट्स तक। ये हमारा मसाला फ्राई करके 5 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे
दही और बिरिश्ते का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था, और इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारा मसाला अच्छे से कस न जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे कुकर में ट्रांसफर कर दूंगी। मैंने इसे पहले से कुकर में इसलिए नहीं रखा था क्योंकि इसमें बादाम गया हुआ है तो ये दाग लग जाता है, इसलिए मैंने कढ़ाई में मसाला फ्राई करके अब कुकर में इसकी सीटी कर लूँगी। एक सीटी के बाद 7 मिनट्स रखूँगी, फिर हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। ये मैंने 1.5 कप बासमती चावल भिगोए थे तो अब हम इसे कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं चावल के लिए जो मैंने पानी बॉईल करने रखा था वो बॉईल हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 दालचीनी, 3 लवंग, 1 हरी इलायची, सॉल्ट 1 चम्मच भर के। अब हम हमारी राइस इसमें डाल देंगे। बासमती राइस में एक अच्छा उबाल आने के बाद, एक बॉईल के बाद उसे 7 to 8 मिनट्स रखना है। इसे सिर्फ 3/4 कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि दम पे भी हमारे जो चावल है वो पकेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी जो राइस है वो भी रेडी हो गई है और हमारा मटन भी मसाले के साथ रेडी हो गया है। ये मैंने अभी एक नॉनस्टिक हांडी ली है, इसके अंदर मैं दम करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसमें एक फॉइल पेपर बिछाना है ताकि ज़्यादा दाग नहीं लगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और 1/2 of the rice मैं इसमें डाल दूंगी। 1/2 से थोड़ी ज्यादा राइस नीचे रखना है। आप चाहो तो होल गरम मसाला डिस्कार्ड कर सकते हो। राइस के ऊपर आएगा हमारा मटन। मटन के ऊपर आएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और फिर उसके ऊपर हमारी बची हुई राइस आ जाएगी। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा येलो कलर। और 1 टेबल स्पून घी। जो हमारा बचा हुआ बिरिश्ता है वो इसके ऊपर आ जाएगा। और ये थोड़ा सा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स इसे अब हम ढककर दम पर रख देंगे। पहले 5 मिनट्स फुल फ्लेम पर और उसके बाद 15 to 20 मिनट्स स्लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कि बिरयानी को अच्छा दम आ गया है तो अब ये रेडी टू सर्व है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, और शेयर करना मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का नोटिफिकेशन का बटन है वो दबाना तो मेरे आगे के जितने रेसिपीज़ है वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।